बिहार के कई जिलों में डूबने से मौत की घटना सामने आई है। करीब डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों की मौत 24 घंटे के अंदर हो गई। रविवार की शाम से सोमवार तक अलग अलग जिलों में ये घटना घटी है। गोपालगंज में दशक्रम के दौरान गंडक नदी में स्नान करने गए एक ही परिवार के चार किशोर डूब गए। चारों बच्चों के शव नहीं मिल सके हैं। पटना, भागलपुर, सिवान, गया, जहानाबाद, बेगूसराय और सासाराम में भी डूबने से मौत हुई है। नदी, तालाब व अन्य जलाशय अभी लबालब भरे हुए हैं, जिसकी वजह से गहरे पानी में जाकर डूबने की घटना अधिक हो रही है। गोपालगंज में दशक्रम के दौरान गंडक में स्नान करने गए एक ही परिवार के चार किशोर डूब गए। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बकरी पंचायत की है। डूबने वाले किशोरों में दो आपस में सगे भाई हैं, जबकि दो अन्य चचेरे भाई हैं। इस हादसे में चारों अब तक लापता हैं। देर रात तक सोमवार को खोज चलती रही, लेकिन चारों का कोई सुराग नहीं मिला। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के जादोपुर मटियारी गांव निवासी शिक्षक नवलेश कुमार सिंह की माता फुलझरी देवी का निधन हो गया था। उनके दशक्रम के दिन सभी गंडक नदी में नहाने गए थे। एक किशोर इस दौरान डूबने लगा, जिसे बचाने में एक के बाद एक करके अन्य तीन किशोर भी गहरे पानी में चले गए और डूब गए। इसे लेकर परिजनों में कोहराम मचा है। इधर गया के बाके बाजार थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव में सोमवार को आहर में डूबने से एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि बरोरा में तालाब में डूबने से बच्ची की मौत हो गई है। सोमवार को विशुनपुर गांव में रामबली यादव जानवर चराने गए थे और उनका पैर फसल गया, जिसे आहर में गिर गए। गहरे पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। इधर गुरारू थाना क्षेत्र के बरोरा गांव में सोमवार को तालाब में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है। शिव पूजन पासवान की 12 वर्षीय पुत्री सलोनी कुमारी अपनी मां के साथ कपड़ा धोने तालाब पहुंची थी, लेकिन पैर फिसलने से गहरे पानी में चली गई और उसकी मौत हो गई। वहीं पटना के फतुहा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलहर पंचायत के अरियाग टोला गांव के दो सगे भाई आयुष कुमार और पीयूष कुमार सोमवार को अपने गांव के समीप धोवा नदी में गांव के बच्चों के साथ स्नान करने के लिए घर से निकले। पीयूष ग्रामीण बच्चों के साथ नदी में कूद कर स्नान करने लगा तो आयुष खड़ा होकर देख रहा था। स्नान करने के क्रम में पीयूष नदी की तेज धार में बहने लगा। ये देख आयुष अपने भाई को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। नदी की तेज धार में दोनों भाई डूबने लगे। तभी नदी किनारे बैठे कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल नदी में कूद कर आयुष को तो बचा लिया, लेकिन पीयूष नदी की तेज धार में बहकर डूब गया। काफी घंटों की खोजबीन के बाद पीयूष का शव नदी से बरामद हुआ। वहीं पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में सोमवार को पोखर में डूबने से दो किशोरों की मौत हो गई। मृतक लक्ष्मण कुमार श्याम बिहारी का पुत्र था, दूसरा सुमित कुमार जो स्वर्गीय जुलूम कुमार का पुत्र था। दोनों नौबतपुर के मोहम्मदपुर गांव के निवासी थे। बताया जाता है कि दोनों किशोर सोमवार को घर में बिना कुछ बताए पोखर में स्नान करने गए थे। पानी ज्यादा होने के कारण स्नान के दौरान वह गहरे पानी में चले गए और डूब गए, और काफी देर बाद ग्रामीणों ने दोनों का शव पोखरे में देखा और परिजनों को सूचना दी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।